मैं इजाज अहमद और आप देख रहे हैं केटीएन न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं बरारी प्रखंड के सुखासन पंचायत में और आज हम बात करने के लिए आए हैं वर्तमान मुखिया मास्टर मोहम्मद इलियास साहब से। इलियास साहब जो कि इस वक्त वर्तमान में मुखिया है और अपने कार्यकाल संभाल रहे हैं, तो चलिए आज हम उनसे उनके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। मुखिया जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी मैनी मैनी थैंक्स कि आपने हमारे पंचायत के बारे कुछ जानकारी लेने आए हैं, आपको इसके लिए धन्यवाद जी। मुखिया जी, ये बताइए कि अभी आपका कार्यकाल चल रहा है, हालांकि अभी समय समाप्त नहीं हुआ है, अनाउंसमेंट इलेक्शन का होने वाला है जल्दी, अभी हुआ नहीं है, तो ऐसे में आपका कार्यकाल चल रहा है, आपने क्या कुछ किया है, आपको कैसा लोगों के दरमियान जो भी सरकारी योजनाएँ आप पहुँचा पाए हैं, कितना प्रतिशत आप लगता है कि हम कर पाए हैं? देखिए, मैं मुखिया नहीं हूँ, मुखिया पति हूँ और पंचायत मुखिया प्रतिनिधि के रूप में। मेरा पंचायत का जो पिछले 15 वर्षों से दुर्दशा था, इसको मैं दिल से संजो कर मैंने बहुत प्रयास किया कि पिछले दिन भी चुनाव जीते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पब्लिक का आशीर्वाद मुझे नहीं था, मेरा भाग्य में नहीं था, 2-4-10 वोट से परास्त होते थे। तो इस बार जब लोगों के द्वार आशीर्वाद से हमने इस पंचायत, मेरी पत्नी जब पंचायत की मुखिया बनी, तो मैंने सर प्राथमिकता के आधार पर हमारे पंचायत का जो सबसे पिछड़ापन का कारण जो सड़क था, मैंने उस पर फोकस किया, उस पर मेहनत करना शुरू किया और 4 साल यानी लॉकडाउन से पहले यानी 2016 जुलाई से और 2020 मार्च तक हमने पंचायत के 90% सड़क को पक्कीकरण करने का काम किया और इसके बाद हमारे पंचायत का जो बिजली का मामला था, समस्या था, बार बार चंदा उगाही होता था लेकिन बिजली आता नहीं था। मेरे पंचायत में मुखिया बनने के बाद मैंने लोगों से ये पहले घोषणा मैंने ये खबर करवा दिए कि कोई किसी को चंदा नहीं देना है और बिजली के लिए आप लोगों को परेशान भी नहीं होना है। ये आज सरकारी आदेश के अनुसार प्रत्येक घर घर बिजली जाएगा और मैंने अपने प्रयास और मेहनत से पूरे पंचायत को इलेक्ट्रीफाई किया। आज कोई भी ऐसा घर, कोई भी ऐसा गली नहीं है जहां बिजली नहीं है। उसके बाद जो तीसरा मूलभूत जरूरत था, जल का, हमारे सरकार का जो नल जल का जो 7 निश्चय के अंतर्गत आता है, उसके तहत जो हमारे पीएचडी के माध्यम से जल नल का कार्यक्रम थोड़ा लेट से ही सही शुरू हुआ, उस पर भी मैंने बहुत मेहनत किया ठेकेदार के साथ और प्रत्येक वार्ड वार्ड में जहाँ जहाँ प्लांट लगना था लगवाया, पाइप लगवाया, टोटा लगवाया। आज घर घर जो स्वच्छ जल का भी लोगों को सुविधा मिल रहा है और इसके साथ हमारे पंचायत के जो किसान थे, इनके साथ या हमारे ग्रामीण जो थे, पंचायत वासी जो थे, पिछले दिनों इसके साथ बहुत तरह का एक्सप्लॉइट हुआ करता था, चाहे किसी काम के नाम पर हो, इंदिरा आवास के नाम पर हो, चाहे शौचालय के नाम पर हो, जिस तरह का भी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का, चाहे पेंशन ही क्यों ना हो, लोगों के साथ भारी रकम का उगाही किया जाता था। मैंने अपने जीवन में एक ही चीज़ फाइट फॉर राइट और एंटी हक की लड़ाई के लिए मैंने कि जद्दोजहद करते रहा, लड़ाई लड़ते रहा, एंटी करप्शन मेरा मुहिम शुरू से ही मेरा रहा और मैंने अपने पंचायत में जो भी मेरा प्रयास रहा एंटी करप्शन, ना मैं इंदिरा आवास में कोई कर सकता, मैंने 10 टका किसी पब्लिक से लिया या मेरे टेबल पर जनकल्याणकारी जो काम के लिए यानी आधार हो, आय हो, जो भी तरह का काम लोगों का वंशावली हो या तो फिर लोगों का चरित्र प्रमाण पत्र हो, करेक्टर सर्टिफिकेट हो, जिस तरह से मैं सुबह 5-6 बजे से बैठता हूँ और 10-11-12 बजे तक लोगों का काम, अपने हाथ से लोगों का सेवा करने का काम किया है, किसी गरीब का 10 पैसा मैंने कभी ना लिया और ना मैं प्रयास करता हूँ। तो अभी हमको सूत्रों से पता चला है कि आपके कार्यकाल के दौरान कुछ जो अकाउंट्स होते थे, वृद्धा पेंशन और इंदिरा आवास के सारे इस तरह के आपके जो पास शाखा है बैंक है, वो सारे लॉक कर दिए गए थे, तो उस वक्त आपने उस वक्त क्या किया, उन लोगों का खाता खुलवाए? हाँ, हमारे बैंक मैनेजर बहुत अच्छे थे, लेकिन हमारे पंचायत के ही कुछ लोग इसमें जो ब्रोकरी का काम करने का प्रयास किया मैनेजर से, फिर साठगांठ करके वो बैंक में जब से घुसा तो मैनेजर साहब भी नहीं समझ पाए, और जो लोनी खाता हो या तो फिर वृद्धा पेंशन का खाता हो या इंदिरा आवास का खाता हो, सभी या जिस पर किसी तरह का लोन ना हो, सभी खातों पर इन्होंने लॉक लगा दिया। तो लोगों का शिकायत मेरे पास आना शुरू हुआ और उसके आधार पर मैं मैनेजर से कहते रहा, इस तरह से एक दो मामला में लेके मेरी हॉट टॉक हो गई। मैंने सारे विभाग को भी लिखा और विभाग को लिख रहे मीडिया के माध्यम से भी इस मामला को मैंने उठाया, लेकिन अगला मैनेजर जो है अपना पैसे के बल पर, धन बल के बल पर जो है लोगों से गलत टिप्पा छाप करवा के अपने अपने ब्रोकर से वो अपना बचा,
लेकिन आज के डेट में जो कुछ ऐसा लाभार्थी इंदिरा आवास का है जिनका पैसा खाता में फंसे रहने के कारण, लोन खाता में ट्रांसफर कर देने के कारण से उसका इंदिरा आवास का भवन नहीं बन पाता, और सरकार का DDC साहब का आदेश है कि विदिन 15 डे मैंने 15 दिन के भीतर वैसे लाभार्थी जो पहला किस्त का पैसा ले चुका है उनको हर हाल में नींव खोदवा के। जी ये बताइए कि हर शख्स दावा करता है कि हमने पूरा विकास कर दिया, अपना हर काम पूरा कर दिया, हालांकि ऐसा संभव नहीं है। 100% कभी भी काम नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है, चाह के भी ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी कमियाँ रह जाती है। तो मुखिया जी आप बताइए, आपके इस कार्यकाल में कितने प्रतिशत लगभग आप काम करा चुके हैं? देखिए विकास के मामले में, जो सड़क के मामला में मैंने मेरा पंचायत अंदर कहीं ऐसा सोलिंग हो या कच्ची सड़क हो या मुख्य सड़क हो, कोई ऐसा सड़क अभी तो बचा नहीं है। हाँ कहीं कहीं अगर बिहार का कुछ सड़क है तो आने वाला दिन में फिर देखा जाएगा, लेकिन जो ग्रामीणों का जो आवागमन वाले जो जितना भी गली हो या मुख्य सड़क हो या संपर्क सड़क हो, सब सड़क पर मेरे पक्केकरण हो चुका है। तो मुखिया जी ये बताइए कि इस बार आपको, आप क्षेत्र का दौरा भी कर रहे हैं, हालांकि जल्दी अनाउंस होने वाला है, आपको क्या लगता है कि इस बार भी आपको जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा? ऐसा देखिए असल बात है, लेबर नेवर गोज इन वेन, कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। मैं अपनी दिल की खलोसियत से और तन मन धन से हम जो पंचायत का सेवा किए हैं, पब्लिक का सेवा किए हैं, आधे पंचायतवासियों का सेवा किया है, ये मुझे आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद है कि पिछले चुनाव से मेरा इस बार का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहेगा। मैंने अभी पंचायत के वासियों के पास वोट के लिए नहीं जा पा रहा हूँ, इसलिए काम ही मेरे माथा पर, इसलिए कि मार्च क्लोजिंग है, 5 साल का काम का भी ब्यौरा है, सबको ऑडिट भी कराना है, मेरे पास समय कम बच पाता है, लेकिन और सारा कैंडिडेट घूमने दीजिए, इसके हम फिर समय होगा, नॉमिनेशन होगा तो लोगों के पास जाएंगे योजनाओं के लेकर के। जी तो मुखिया जी बताइए।